हेलो एवरीवन, वेलकम टू झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रिटिकल अप्रिसिएशन के बारे में। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स के अगर स्टूडेंट हैं तो क्लास मैटर नहीं करता है कि आप बीए के हैं या फिर एमए के स्टूडेंट हैं। तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर स्टडी करते हैं तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलता है। आपको क्रिटिकल एनालाइज या क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। पढ़ना तो बहुत कुछ होता है बट क्वेश्चन इन्हीं में से सॉल्व करना होता है कि आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन या क्रिटिकल एनालाइज करना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि एक क्रिटिकल अप्रिसिएशन को हम लिखेंगे कैसे। अगर आप इसे सीख जाते हैं तो इंग्लिश ऑनर्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। आप किसी भी क्वेश्चन को ईजिली समझ पाएंगे और उसको लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज क्रिटिकल अप्रिसिएशन, जहाँ पे मैं आपको लाइन बाय लाइन कोई टेक्स्ट समझाने वाला नहीं हूँ। जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में हमें ध्यान किन बातों का रखना होता है क्रिटिकल अप्रिसिएशन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता क्या है। तो देखिए, जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो एक प्रोसेस है, याद रखिएगा, ये एक प्रोसेस है किसका, क्रिटिकल एनालाइज करने का। अब एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना। तो आप किसी भी टेक्स्ट का जब आप क्रिटिकल एनालाइज करते हो तो उसी को क्रिटिकल अप्रिसिएशन कहते हैं। क्रिटिकल एनालाइज हम किसे करते हैं, तो पीस ऑफ लिटरेचर, अब मे भी हो सकता है वो पोएम है, नॉवेल है या फिर प्ले है, हम क्या करते हैं, इन्हें एनालाइज करते हैं। इसके साथ हम लोग वेरियस एलिमेंट लाइक थीम, सिंबोलिज्म, कैरेक्टर्स, राइटिंग स्टाइल और भी बहुत कुछ, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन करते हैं। तो ये सब काम करना ही आपका क्रिटिकल एनालाइज कहलाता है और इसे ही हम लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन कहते हैं। ऐसा हम लोग करते क्यों हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग, ठीक है, इट इज़ अबाउट गोइंग बियॉन्ड द सरफेस लेवल एंड अनकवरिंग द डीपर मीनिंग एंड मैसेज हिडन विद इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि एक लेखक जो भी टेक्स्ट लिखता है, लिटरेचर जो लिखता है, तो उसके दो तरह के मीनिंग होते हैं। एक होता है टेक्चुअल मीनिंग और एक होता है बियॉन्ड द टेक्चुअल मीनिंग। टेक्चुअल मीनिंग में हम सिर्फ उसका डिक्शनरी में मीनिंग निकालते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअल में वो नहीं होता है उसका मीनिंग। लिटरेचर में बहुत सारा हिडन मीनिंग होता है जिसे हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको मुहावरे वगैरह में मिलता है, अगर उसका हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी में मीनिंग निकाले तो वो सही मैसेज नहीं निकलता जब तक हम उसका अनुमान ना लगाएं। तो एक्चुअल में वही चीज़ यहाँ पे करना होता है कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है वो एक प्रोसेस होता है क्रिटिकल एनालाइज का, जिसमें हम लोग लिटरेचर को पढ़ते हैं और उसके अलग अलग एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं और टेक्स्ट के बीच में जो छुपे हुए हिडन मीनिंग होता है उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो होप कि आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन होता क्या वो समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि आखिर करना कैसे। तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले हमें रीड करना होगा टेक्स्ट को जिसका हम लोग क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को हमें पहले रीड करना पड़ेगा। टू बिगिन विथ यू नीड टू रीड अ लिटरेरी वर्क थ्रोली एंड अटेंटिवली, बहुत ही ध्यानपूर्वक से आपको उस टेक्स्ट को पढ़ना है। टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड द प्लॉट कैरेक्टर ओवरऑल मैसेज द ऑथर्स ट्राइंग टू कन्वे। तो इसमें हमें पढ़ना है और टाइम लेकर के पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे तो उसे ख़त्म करने के चक्कर में रहेंगे कि जल्दी जल्दी उसे पढ़ करके हम लोग पार कर देते हैं। हमें करना क्या है इसमें कि उस टेक्स्ट को पढ़ना है और टाइम लेकर के पढ़ना है। उसमें कुछ चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि आखिर इसमें प्लॉट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, इसमें ऐसी कौन सी मैसेजेस है जो ऑथर कन्वे करना चाहता है यानी हम तक पहुंचाना चाहता है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पढ़ते समय। एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा पढ़िए, रुक रुक करके पढ़िए, बट टाइम लेकर के उसको पढ़िए, ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए उसे, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं की एलिमेंट्स को, उसमें कौन कौन सी प्रमुख एलिमेंट्स क्या होती है कि हम लोग जब लिटरेचर लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे चीज़ें
होती है सम्मिलित, तब जाकर के वो एक लिटरेचर के फॉर्म में आता है। तो अगर आपने एलिमेंट वाला नहीं देखा है तो आपको इसका भी वीडियोस मिल जाएगा, यूट्यूब में आप सर्च करिएगा डिफरेंट एलिमेंट ऑफ पोएट्री ड्रामा, ये इन सब चीज़ों का आप खोजेंगे तो मिल जाएगा। मैं भी मेरे चैनल में भी कुछ वीडियो डाला हुआ आपको मिल जाएगा। तो एलिमेंट्स जो है इसको आपको क्या करना, मुख्य एलिमेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना है, ठीक है, कि एलिमेंट ऑफ द टेक्स्ट सच एज उसमें थीम, सिंबल, मेटाफर, उसका मोटिव्स, ठीक है, ये सब आपको जानना है। क्योंकि ये सब आप जानेंगे तभी ये जो है आपको हेल्प करेगा एक डीपर मीनिंग को अंडरस्टैंड करने का, समझने का, ठीक है, यानी ऑथर का इंटेंशन क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है लिख करके हमें उस लिटरेचर के माध्यम से। आपको, ठीक है, कई सारे लेयर्स मिलेंगे, ठीक है, मीनिंग के, जिसको आपको समझ में आएगा। यानी ऑथर जो मीनिंग बताना चाहता है अपने टेक्स्ट के माध्यम से वो तभी आपको समझ में आएगा जब आप उसमें एलिमेंट्स को ढूंढेंगे, ठीक है, उन एलिमेंट्स का उद्देश्य निकालें कि ऐसा उन्होंने इस तरह के एलिमेंट्स को क्यों यूज़ किया हुआ है। तो आपको एलिमेंट्स पहचानना है उस टेक्स्ट में, अब वो कोई सा भी हो सकता है, पोएट्री, नॉवेल, ड्रामा, कोई सा भी हो सकता है, बस उनमें आपको एलिमेंट्स को ध्यान से पहचानना है। नेक्स्ट स्टेप आता है एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। फिर आपको ध्यान देना है ऑथर के राइटिंग स्टाइल पर और उसके स्ट्रक्चर पर, यानी पीस ऑफ कंटेंट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उस बनाया गया किस तरह से, ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना। पे अटेंशन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट एंड द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल, आपको इन दो चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देना है। फिर कंसीडर द नरेटिव टेक्निक, उसके नरेटिव टेक्निक्स को आपको देखना है। फिर जाकर के लैंग्वेज चूज को देखना है। अब अलग अलग ऑथर जो होते हैं उनका अलग अलग स्टाइल होता है लिखने का, अलग अलग डिक्शंस वे यूज़ करते हैं, अलग अलग शब्दों का चयन करते हैं, तो लैंग्वेज चॉइस में आपको ध्यान देना है। उसके बाद वे लोग, कुछ कुछ ऑथर्स होते हैं जिनका मतलब कुछ फेवरेट पोइट्री मतलब एलिमेंट होती है, ठीक है, लिटरेचर के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, फेवरेट एलिमेंट्स होते हैं, वो आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिल जाएंगे उसके लेख में, ठीक है, तो वो चीज़ों में आपको ध्यान देना है। डिवाइस एम्प्लॉयड, ठीक है, दिस एनालाइज विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द ऑथर इफेक्टिवली कम्युनिकेट दियर्स आइडियाज। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रभावपूर्ण तरीका से वो अपनी बात को रखने का कोशिश करता है या कोशिश किया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएगा। तो यानी नेक्स्ट आपका क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर और राइटिंग स्टाइल देखना है, इसमें आपको लैंग्वेज वगैरह का भी ध्यान रखना है, टेक्निक का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। फिर आपको फॉर्मुलेट करना है योर थेसिस स्टेटमेंट, ठीक है, आपको अपना एक स्टेटमेंट तैयार करना है, थेसिस स्टेटमेंट आपको तैयार करना है, कुछ प्रमुख बातों का एक स्टेटमेंट तैयार करना है जो कि आपका ये आधार के रूप में काम करेगा। दिस स्टेप इज क्रूशियल इन क्रिटिकल एप्रिसिएशन, योर थेसिस स्टेटमेंट शुड एनकैप्सुलेट योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट मीनिंग और मेन आइडिया। यहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ को ज़रा ध्यान में आप इस चीज़ को रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो थीसिस स्टेटमेंट होगा, आप जो स्टेटमेंट यहाँ पर बनाएंगे वो एनकैप्सुलेट होना चाहिए, यानी आपको जो मुख्य बातें हैं, एनकैप्सुलेट मतलब क्या था, प्रमुख बातें या मुख्य बातें या मेन बिंदु जो होता है उन सब चीज़ों को आपको यहाँ पर देना है जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यानी ये आपको फॉर्मुलेट करना, यानी अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी जो प्रमुख बातें होंगी उनको सबसे पहले आप लिखेंगे, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि हमें अच्छा से पढ़ना है, फिर उसके राइटिंग स्टाइल को समझने हैं, फिर लैंग्वेजेस को समझने, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, उसके बाद आपको फॉर्मुलेट करना, यानी अब आपको अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना। तो इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आप लिखेंगे कैसे, तो आपको एक थीसिस स्टेटमेंट आपको स्टार्ट मतलब लिखना, एक पहले स्टेटमेंट आपको देना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एनकैप्सुलेट आपको करना है, यानी प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख बातों को सबसे पहले आपको लिखना है। उसके बाद होता है इंटरप्रेट द टेक्स्ट। इंटरप्रेट द टेक्स्ट, अब जो आपने प्रमुख बातें लिखे थे, ठीक है, मेन मेन पॉइंट्स जो लिखा था, उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख करके अब एक लंबा सा आपको एक स्टेटमेंट तैयार करना है, जिसको हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन बोलेंगे। जब भी हम इसको तैयार करेंगे तो यहाँ पर हम लोग डीपर लेयर्स द टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे लेयर पे लेयर, मतलब क्या है ना कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपको समझ में आई पढ़ने के बाद टेक्स्ट को,
उन सब चीज़ों को आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप थीम को जो आपने ध्यान दिया था उसको लिखेंगे, सिंबल्स को लिखेंगे, करेक्टर्स को लिखेंगे, मोटिवेशंस, ठीक है, और जितने भी आपने पॉइंट आउट किए थे सभी को एक दूसरे से जोड़ करके, एक दूसरे से जोड़ेंगे और उसको लिखेंगे। उसके बाद उसका महत्व बताएंगे कि लेखक ने ऐसा क्यों किया है, इसका इस लेख में क्या इम्पोर्टेंस रहा है, ये सारा कुछ आप इसमें बताएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर सटीकता का जरूर ध्यान रखेंगे और जो भी बताएंगे उसको स्पष्टता के साथ बताने का कोशिश करेंगे। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है प्रेजेंट बैलेंस क्रिटिक। आपको बैलेंस बना करके रखना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है, आपको निष्पक्षता से लिखना है। आपने किसी के पोएट्री को या लिटरेचर को पढ़ा और जब भी उस पर आप अपना क्रिटिकल अप्रिसिएशन कर रहे हैं, यानी क्रिटिसाइज जब उसको आप कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म उसमें आप कर रहे हैं, तो याद रखें कि आप में एक निष्पक्षता होना चाहिए। निष्पक्षता का मतलब ये है आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, ना तो आप उसका ज़्यादा अगेंस्ट जाएंगे और ना ही ज़्यादा मतलब उनका तारीफ करेंगे। अगर आप किसी के लेख का ज़रूरत से ज़्यादा अगर तारीफ़ करने लगते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपका वो फेवरेट होने के कारण आपने ऐसा तारीफ़ किया हो, ये सामने वाला को लग सकता है। दूसरा चीज़, आप ज़्यादा जो है ना किसी को भी क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, ज़्यादा मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट्स भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हो सकता है इससे ये पता लग रहा हो कि आपको पर्सनली कोई दुश्मनी हो या फिर उसका लेख आपको पसंद नहीं है, इसीलिए आप कुछ ज़्यादा ही किसी का कंटेंट का मतलब आप नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं। तो आप में एक निष्पक्षता होना चाहिए, यानी आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे और टेक्स्ट के अनुसार ही, ठीक है, अपने मन से नहीं, टेक्स्ट के अनुसार ही आप सब कुछ बताएंगे, क्या अच्छा था क्या खराबी था। और साथ ही साथ आपको उसमें हायर करना है रेफरेंस को, और इसके अलावा कोई कोट्स वगैरह है या फिर कोई स्टेटमेंट है जो कि आप मतलब आप जो भी लिख रहे हैं ना उसमें आपको रेफरेंस देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप किस आधार पर ये बात बोल रहे हैं, कहाँ से आपको ये जानकारी मिली, आपको क्यों ऐसा लगता है, क्या पढ़ कर के आप इस तरह बता रहे हैं। तो वो सारे जो रेफरेंस होंगे वो आपको देना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो क्रिटिसिज्म है उसे ट्रू माना जाता है, नहीं तो आपका क्रिटिसिज्म जो है उसे एक फेक मान लिया जाएगा। तो ये तो था क्रिटिकल अप्रिसिएशन। अगर क्रिटिकल अप्रिसिएशन को अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं कि कैसे हमको क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ना, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, चाहे वो एमए का हो चाहे बीए इंग्लिश का हो, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिटरेचर को पढ़ना होता है, उसका समरी लिखना होता है, कैरेक्टर्स लिखना होता है, क्रिटिकल अप्रिसिएशन करना होता है, एनालाइज करना होता है, बस यही सब क्वेश्चन होती है इंग्लिश लिटरेचर में। पढ़ना बहुत है लेकिन आंसर जो होता है उसे हमें कम करना होता है। तो होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सब पीडीएफ मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। मेरे जितने भी पेजेस हैं फेसबुक वगैरह भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन करके रख सकते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।